जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 स्टार्ट हो चुकी है, और जब 2023 स्टार्ट हो चुकी है तो कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं जो कि आपको 2023 में बंद करना है अगर आपको एक सक्सेसफुल, अट्रैक्टिव, हैंडसम और अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। इन सभी को बहुत अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको 12 ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको 2023 में बंद ही करना पड़ेगा अगर आपको अपनी फिटनेस को अच्छा करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, अपने आप को ज़्यादा हैंडसम बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ज़्यादा कामयाब बनाना है। तो मैं कोई ऐसा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ दोस्तों, पर कुछ चीज़ें जो मेरी नॉलेज में हैं, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, तो वो मैं के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आप वीडियो पूरी एंड तक देखोगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो पूरी एंड तक देख ली तो बहुत आपकी जो है ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं अगर आप चीज़ें फॉलो करोगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर एक लाइक जरूर से ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि 2023 स्टार्ट हो चुकी है, आपने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया है अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपनी क्लोज वंस के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता देना। बात करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट के बारे में, वो है दोस्तों ब्लेमिंग। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब भी वो कोई भी काम कर रहे होते हैं या फिर वो कोई काम करना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस काम में फेल हो जाते हैं और वो काम हमारा कामयाब नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम दूसरों पर ब्लेम डालने लगते हैं और दूसरी चीज़ों पर ब्लेम डालने लगते हैं, कहते हैं कि यार उस वजह से मेरा ये वाला काम खराब हुआ या उस शख्स की वजह से या उस इंसान की वजह से मेरा ये वाला काम बिगड़ गया। तो गाइज़ आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो आज भी तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी खुद की गलती है तो उसको खुद को एक्सेप्ट करना है कि हाँ जो भी गलती हुई है, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, वो मेरी वजह से हुई हैं और मैं उसको आगे इम्प्रूव करूँगा, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। पर आज के टाइम में लोग दूसरों पर ब्लेम बहुत जल्दी डाल देते हैं या फिर कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उसको बता देते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम है मेरी या फिर मेरे पास ये वाली रिसोर्सेज नहीं है या मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ नहीं है जिससे मैं ये वाली जो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो गाइस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी चीज़ पर आपको ब्लेम नहीं डालना है, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आप ब्लेम करते रहोगे जब आपका टाइम बीत जाएगा तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी ही करनी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बैड हैबिट्स भी है बहुत लोगों के अंदर, ये वो ये है कि जितनी उनकी इनकम होती है उससे ज़्यादा वो एक्सपेंस कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान पैसे कमा रहा होता है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 भी अगर कमा रहा है, उससे अगर वो ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है, खर्चे उससे ज़्यादा वो कर रहा है, तो वो कभी भी जो है ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता और उसको हमेशा पैसों की और हर तरीके से वो प्रॉब्लम में ही रहेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपकी अभी इनकम नहीं है या फिर अगर आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है, चाहे 500, 2000, 3000, 5000 जितनी मिलती है, उससे ज़्यादा आप खर्च करते हैं कि दोस्तों से उधार मांग लिया या फिर किसी से उधार मांग लिया या फिर घर में ही बहुत सारे लोग चोरी कर लेते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है कि जितनी आपकी पैसे हैं, जितने भी आपके पास पैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग खर्च करना है और इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन सकते, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहोगे, परेशान रहोगे, पैसों की तंगी रहेगी आपके पास और चीज़ें जो है कभी भी आगे नहीं चल पाएंगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितने आपकी इनकम है उसी के अंडर आपको करीब 30% 40% तक अपना खर्चा करना है या जो भी आपकी पॉकेट मनी है उसी में आपको रहकर खर्चा करना है, ज़्यादा चीज़ों पर नहीं भागना है आपने। बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में दोस्तों, अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे लोगों से। अब मैं आपको बता दूं, आपको अच्छे से पता होगा, इतने समझदार आप हो कि हर इंसान इस दुनिया में अलग होता है, इवन उसका फिंगरप्रिंट, उसकी जो है उसके बोलचाल का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी, उसके लुक्स, हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से अलग है इस कायनात के अंदर। तो आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी भी शख्स से, किसी भी इंसान से। अब फैमिली में ऐसा होता है कई बार कि हमारे नंबर कम आते हैं तो फैमिली के लोग बोलते हैं कि देखो उसके नंबर ज़्यादा आए हैं, या फिर कोई रिलेटिव्स वगैरह बोलते हैं कि उसके नंबर ज़्यादा है या फिर वो इस चीज़ में कामयाब बन गया या वो उस चीज़ में आगे निकल गया। कंपैरिजन एक दोस्तों एक इतनी बुरी चीज़ होती है जो कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती है। तो अपने आप ने कभी कंपेयर ना करें, आप जैसे भी हो, यूनिक पर्सनैलिटी हो, आपसे बेहतर ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। जिस चीज़ में भी आप अच्छे हो उस चीज़ को आपको बेहतर बनाने पर काम करना है, उस चीज़ को ग्रूमिंग पर आपको काम करना है। दोस्तों अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस चीज़ पर फोकस करें जिस चीज़ में आप अच्छे हैं। हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट कभी भी ना था, ना है और ना कभी होगा।
तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, अपने आप को कंपेयर किसी से भी ना करें। बात करते हैं अगली बैड हैबिट के बारे में, वो ये है कि बहुत सारे लोग पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा ही देखते हैं। अगर आप पोर्नोग्राफी आपने बहुत ज्यादा देखी है तो 2023 में आपको ये सारी बैड हैबिट्स बिल्कुल बंद करना है। अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हो तो होता क्या है, उससे हमारे दिमाग पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि वो एक रियलिटी नहीं होती है, और हम जब रियलिटी से दूर जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद होना स्टार्ट हो जाती है। और होता क्या है, कई बार जब मैंने बहुत सारी जो है आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारी न्यूज़ भी देखी हैं, कि जब पोर्नोग्राफी के कुछ लोग ज़्यादा ही एडिक्ट होते हैं, ज़्यादा ही उनको लत लगी होती है, और जब उनकी शादी होती है या फिर वो पार्टनर वगैरह जो उनका होता है, तो वो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद और एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं अपने पार्टनर से। जब उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं तो होता क्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, और इवन डिवोर्स तक कहानी पहुँच जाती है, तो उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। तो खाली में अपना टाइम ज़ाया ना करें ऐसी चीज़ों पर, जो कि बहुत ज़्यादा आप पोर्नोग्राफी देखोगे एडिक्शन होगा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ेंगी, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिलेगा आपको, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो गाइज आपको ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बचना है। बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में दोस्तों, वो है मास्टरबेशन को लेकर। आजकल की जो यूथ है, आजकल के लड़के हैं, इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा ही करते हैं तो होता है उनकी पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, और जब वो ये चीज़ें करते रहते हैं तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप किसी चीज़ को हद से तक करते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली या फिजिकली या मेंटली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर वो साइड इफेक्ट छोड़ कर ही जाएगा। अब मास्टरबेशन कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, अब लगातार लोग करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, आपकी जो है शरीर की जो है पॉजिटिव एनर्जी निकल जाएगी। तो वो एनर्जी एक सही काम में लगाएं, सही डायरेक्शन में लगाएं, वर्कआउट करें, आप जो है अपने जो गोल पर काम करने की कोशिश करें, कोशिश ये करें कि इन सब चीज़ों से निजात पा लें, और जो है टारगेट बनाने की कोशिश करें कि टारगेट बनाएं कि मुझे 7 दिन तक पोर्नोग्राफी से या फिर मास्टरबेशन से दूर रहना है। तो जब वो टारगेट अचीव करेंगे तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों से निजात पा लेंगे। छोटे छोटे टारगेट बनाएं, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, और जब इस तरीके से आप करने लग जाओगे तो यहाँ से आप स्ट्रांग बन जाओगे, और जब स्ट्रांग बन जाओगे तो आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे और ये सब चीज़ें बिल्कुल क्विट कर दोगे। बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में, अगली बैड हैबिट के बारे में दोस्तों, वो ये है कि स्किपिंग एक्सरसाइज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज डेली करोगे, जिससे आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आप पॉजिटिव महसूस करोगे, आप जो है मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, और आपका जो है अगर आप वेट गेन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मसल गेन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, फैट लॉस करना चाहते हो वो भी ईजिली कर सकते हो। तो गाइज़ आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप जो है 1 दिन जिम चले गए, 2 दिन जिम चले गए, फिर आपने 4-5 दिन जो है छुट्टी ले ली, तो ऐसे कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं किसी भी इंसान को। तो आपको लगातार फॉलो करना पड़ती हैं चीज़ें, तभी आपको बेनिफिट मिलता है। तो एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है, करीब 5 दिन या 6 दिन तो आपको एक्सरसाइज करने ही करना है, आपको बेहतर और अच्छे रिजल्ट चाहिए। बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में, अगली बैड हैबिट के बारे में, उन लोगों के साथ में रहना जो टोटली निगेटिव हैं और आपकी टांग खींचते हैं, आपकी मजाक बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर आप कोई भी काम करने के लिए चलते हैं, सोचते हैं कि मुझे ये वाला बिज़नेस करना है, मुझे ये वाला जो है आइडिया है, मैं इस पर अब काम करना स्टार्ट करूँगा, तो वो आपकी टांग खींचेंगे और आपकी मजाक बनाएंगे, कहेंगे तू इस चीज़ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या टोटली उनका माइंड नेगेटिव है और वो नेगेटिविटी ही उनके दिमाग में भरी रहती है और वही चीज़ें आपको बोलते हैं वो। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ आज ही छोड़ दो, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको रियलाइज़ हो ही जाएगा कि जिस भी लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ वो कितने नेगेटिव हैं, कितने ज़्यादा उनका ख्यालात बुरे हैं, और वो मेरी कामयाबी में कितने ज़्यादा रुकावट बन रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस भी इंसान के साथ हम रहते हैं उसकी जो हैबिट्स होती हैं वो हमारे अंदर आती हैं, और उनकी जो बातें होती हैं वो हमको बहुत ज़्यादा फील होती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जिस भी जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ में रह रहे हो और ये भी सोचो कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा, तो ऐसा ना करें। जो भी पॉजिटिव लोग हैं उनका इन्वायरमेंट पकड़ने की कोशिश करें, नेगेटिव लोगों से जो है दूर रहें, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और आपका दिमाग पॉजिटिव बनेगा। जब दिमाग पॉजिटिव बनेगा तो आप एक्शन लोगे तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे और वो काम कर पाओगे। बात करते हैं अगली बैड हैबिट के बारे में, वो ये है कि नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे सोते हैं, पर एक ऑलरेडी आपको पता होगा स्टडीज़ में ये बताया गया है कि 7 से 8 घंटे तक स्लीप बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमंस के लिए। अब इतनी स्लीप नहीं लोगे आप डेली बेसिस पर तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, साइड इफेक्ट छोड़ के जाएगा, आपका फेस डल होना स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा आपका, फ्रस्ट्रेट रहोगे, दिमागी तौर से परेशान रहोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार
7 से 8 घंटे तक स्लीप लेना है। कभी कभार अगर कोई इमरजेंसी काम है, कोई इंपॉर्टेंट काम है या ट्रैवल कर रहे हो तो कभी कभार तो इट्स ओके, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर डेली बेसिस पे आप करीब 4-5 घंटे की नींद ले रहे हो, रात रात फ़ोन चला रहे हो, चैट कर रहे हो या कॉल पर बात कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो और स्लीप आपकी 24 घंटे के अंदर 7 से 8 घंटे की नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट होंगे बहुत ख़तरनाक वाले। तो गाइज़ आपको ऐसा नहीं करना है, 7 से 8 घंटे तक स्लीप आपको लेनी है अगर आपको जो है अपनी बॉडी को अच्छा करना है, अपने फेस को अच्छा करना है, आपको अपने माइंड को अच्छा करना है और एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है। तो 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में, अगली बैड हैबिट के बारे में। दोस्तों जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करा या कोई डाइट स्टार्ट करी या हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा या कोई पढ़ाई स्टार्ट करी, कुछ भी किया, तो वो हम कंसिस्टेंटली वो काम लगातार नहीं कर पाते हैं बहुत लंबे टाइम तक। और आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम लगातार कोई काम करेंगे तभी हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे, तभी बेनिफिट मिलेगा, तभी फ़ायदा होगा। और लगातार जो इंसान काम करता है उसी को रिजल्ट मिलते हैं और वही इंसान कामयाब बनता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अगर आपने रोज़ डेली छोटे छोटे काम करना स्टार्ट कर दिए और वो काम बहुत लंबे टाइम तक करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो रिज़ल्ट 101% मिलते ही मिलते हैं। इवन मैं नहीं, लाखों करोड़ों ऐसी स्टडीज़ हैं, लाखों करोड़ों ऐसे इंसान हैं इस दुनिया के अंदर जो कि कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और वो काफ़ी अच्छे मुकाम पर हैं आज। तो आप ये सोचो कि मैं एक दिन में जो है कामयाब बन जाऊँ मैं, या फिर एक दिन में मसल गेन कर लूँ अगर आप जिम वगैरह करते हैं, या एक दिन के अंदर वेट गेन कर लूँ या फैट लॉस कर लूँ, या फिर थोड़े बहुत दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के साथ में। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में, वो है स्मोकिंग को लेकर और ड्रिंकिंग को लेकर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ तो ख़राब कर ही रहा है और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा इंटरनली कमज़ोर बन रहे हो। आपकी जो है दिमागी शक्ति बर्बाद हो रही है, आपके लंग्स, आपका लिवर, किडनी वगैरह कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर डालते हैं स्मोकिंग करते हैं या फिर ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं। तो ये तो एक ऐसी बैड हैबिट होगी जो कि बहुत सारे लोग आजकल के टाइम में कूल मानते हैं, इसको कहते हैं ये तो फैशन है, पर कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी पर जब साइड इफेक्ट छोड़ के जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब हमारी एज 20-22 साल, 25 साल, 28 साल, 30-32 साल तक भी होती है तो इतना साइड इफेक्ट नहीं दिखता, पर जब हम ये एज क्रॉस करते हैं तो साइड इफेक्ट भयानक वाले होते हैं। किसी किसी को तो कम एज में भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि जब हम नौजवान होते हैं, हम जो है उस टाइम हमें बीमारी नहीं लग रही होती है, पर जब एज क्रॉस करती है तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है और बीमारी हमें जब लग जाती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो गाइज़ आपको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से कोशिश करें कि कम से कम करें, जितना आप कर रहे हैं उससे हाफ कर दीजिए, फिर एक दिन छोड़ने की कोशिश करें, तभी कुछ हो पाए। बात करते हैं दोस्तों अगले मिस्टेक के बारे में, अगली बैड हैबिट के बारे में। दोस्तों दूसरे लोगों को कॉपी करना, बहुत सारे लोग आजकल दूसरे लोगों को कॉपी करने में लगे हुए हैं। छपरी लोग होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का जो गंदा स्टाइल होता है वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं या किसी न किसी चीज़ में उनको कॉपी करने के लिए सोचते हैं। किसी से इंस्पायर होना, किसी से मोटिवेट होना वो एक अलग बात होती है, पर किसी को कॉपी नहीं करना है अपने। अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उनसे मोटिवेट होइए, इंस्पायर होइए, इवन किसी को सेम टू सेम कॉपी ना करें, क्योंकि आपकी खुद की भी कोई पहचान है। अगर आप किसी को कॉपी करने लग जाओगे तो आप जो है उन्हीं के नाम से जाने जाओगे, आपका खुद का कोई वजूद नहीं बनेगा, खुद का कोई नाम नहीं बनेगा। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात करते हैं अगली बैड हैबिट के बारे में, अपनी हाइजीन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, मतलब अपने हेयर्स पर, अपनी बियर्ड को सेट करके नहीं रखते हैं, अपने जो अंडर आर्म्स के जो बाल होते हैं या फिर पुबिक एरिया जो होता है हमारा, तो इन सबको अपना मेंटेन करके चलना है, अपने बाल, अपनी बियर्ड, हर तरीके से अपने आप को जो है ग्रूम करके रखना है। अगर आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दोगे तभी आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, बहुत हैंडसम लगोगे। दोस्तों ऐसे 12 ऐसे पॉइंट्स थे, अगर आपने फॉलो कर लिए आप अट्रैक्टिव बन जाओगे, हैंडसम बन जाओगे, ज़्यादा कामयाब भी बन जाओगे, मेंटली बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे और साथ ही साथ आप जो है आपकी हेल्थ एंड फिटनेस भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोशिश करना कि इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो कहीं ना कहीं जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करूँ और कहीं ना कहीं मैं 70 to 80% फॉलो कर लेता हूँ, या फिर एक दो जो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मैं अगर फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो इस साल मैं वो काम करूँगा, फॉलो करूँगा और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाऊँगा। और आप, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोगों की या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी बेहतर बन जाए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो स्कैगिंग हेल्थ नाम से हमें भेज दीजिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।